हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में विनोद तलवार का एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनका बॉलीवुड फिल्मी कैरियर एनालाइज करेंगे। साल 1987 में एज ए डायरेक्टर इनकी डेब्यू मूवी आई रात के अंधेरे में। इस मूवी के लीड कास्ट में जावेद खान, दीपिका चेखलिया, लीना दास, जावेद खान अमरोही, मजहर खान, पेंटल, राजेश पुरी, मधु मल्होत्रा, हुमा खान और इम्तियाज खान शामिल थे। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई संदूर और बंदूक। इस मूवी के लीड कास्ट में स्वप्ना, सुमित सहगल, शिवा रिद्दानी, मालिक ईरानी, हेमंत गिरजे और सदाशिव अमरापुरकर शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 25 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 27 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1989 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई वही भयानक रात। इस मूवी के लीड कास्ट में लीना दास, राकेश बेदी, गोगा कपूर, रोहन कपूर, किरण कुमार, नीलम मेहरा, जया माथुर, आशा शर्मा, शिवा रिंदानी और महेश राज शामिल थे। ये एक हॉरर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1990 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई तेरी तलाश में। इस मूवी के लीड कास्ट में अमला अकिनेनी, अनिल धवन, सुधीर पांडे, टीकू तलसानिया, जैक गॉड, मधु मल्होत्रा, कमलदीप, रीमा लागू और महेश राज शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा हॉरर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1991 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई खूनी पंजा। इस मूवी के लीड कास्ट में जावेद खान, टीना घई, टीकू तलसानिया, सीमा वाद, रीता भादवी, दीना बनर्जी, अनिल धवन, मैक मोहन और जगदीप शामिल थे। ये एक हॉरर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1991 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई हत्यारिन। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपक पराशर, अमिता नागिया, जावेद खान, श्री प्रदा, जया माथुर, शिवा रिंदानी, राजेश विवेक, रजा मुराद, राणा जंग बहादुर और सुधीर पांडे शामिल थे। ये एक हॉरर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में एज ए प्रोड्यूसर इनकी अगली मूवी आई फूल बने पत्थर। इस मूवी के डायरेक्टर थे अमरीश संगल। इस मूवी के लीड कास्ट में अविनाश वधावन, इंद्राणी बनर्जी, राकेश बेदी, मोहिनीश बहल, अवतार गिल, मोहन जोशी, कादर खान और किरण कुमार शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको विनोद तलवार की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। विनोद तलवार की इन मूवीज में से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।